संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम की ग्रंथों में जो चतुर्थ अंक, सात अंक है, चतुर्थ अंक की व्याख्या चल रही है, TGT के पाठ्यक्रम में है। तो अभी तक हमने दुर्वासा ऋषि जी श्राप देकर देते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वे चिंतयन्ति यमनन्य मानसा, अंत वाला श्लोक था, कथाम प्रमत्त प्रथमम कृतामि, यहाँ तक का हमने वाचन अर्थों की व्याख्या समझ ली थी। अब उसके आगे मंगलाचरण आप याद कर रखिएगा कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति वीरहूतम या हवीरिया च होत्री ये द्वे काले विदत्त। तो मंगलाचरण हमेशा याद होने चाहिए, इस तरह से जैसे हमें याद है, ये इस तरह से आपकी तैयारी है तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते वह ठीक समय पर याद आ जाए, क्योंकि परीक्षा के समय हमारे हृदय का आवेग बढ़ जाता है और जब आवेग बढ़ता है तो बी की जगह सी, आठ के सी की जगह छः का सी, ऐसा उत्तर लगे, ये आवेग है। इसी आवेग को आप शांत कर ले जाओ और यह आवेग जब शांत होगा पढ़ने से शांत होगा, कि आपके अंदर विश्वास रहे तभी आपका आवेग शांत होगा, नहीं तो आवेग हमेशा आपके अंदर रहेगा। तो आइए समय न लेते हुए शिक्षक दिवस 5 सितंबर आज है, शिक्षक दिवस के रूप में आज का दिन पूरा मनाया गया और यह प्रतिवर्ष आता है, तो जितने गुरुजन बिंदु हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आपका समय न लें, समय बहुत कीमती होता है। तो हमने पढ़ लिया था कि जैसे पागल व्यक्ति पहले की गई हुई बात को भूल जाता है, उसी तरह अस्मरिष्यति न स बोधितो अपिशत त्वाम न स बोधितो, तुमको भी वह दुष्यंत उसी तरह भूल जाएगा। यह कथानक हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे प्रियंबदा कहती है, धिक्कार है धिक्कार, अफसोस, धिक्कार का मतलब नहीं कि धिक्कार ना, हाय अफसोस है धिक्कार है अनर्थ हो गया, ये अप्रियमेव संवृत्तम अनर्थ हो गया, अप्रियमेव अनर्थ हो गया, अकस्मिन्नपि माने किसी पूजा हरे अपराधया सुन्न हृदया शकुंतला। अभी प्रियंबदा पहले बोली थी कि ननु उठज संहिता, पीछे पढ़ के आए हैं, अगर नहीं वीडियो देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कि ननु उठज संहिता, शकुंतला तो कुटिया में है। अब वही प्रियंबदा कह रही है कि कस्मिन्नपि किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया, इसीलिए तो प्रियंबदा शुरू में चिल्ला रही है, हार्दिक धिक्कार है धिक्कार है अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के द्वारा अपराध हो गया, क्षण किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया। और बताया कि शून्य हृदय शकुंतला, यह शून्य हृदय शकुंतला के द्वारा किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया, अर्थात उसका हृदय खाली है। यहाँ से कथानक पता चल गया कि शकुंतला का हृदय दुष्यंत के पास लगा हुआ है, अर्थात उसका पूरा मन ही उसी तरफ है, इसीलिए तो प्रियंबदा कही। और पूरा अवलोक के सामने देख कर, जैसे ही प्रियंबदा ने कहा धिक्कार है किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला के द्वारा अपराध हो गया, और उसके बाद पूरा अवलोक के सामने देख कर, न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, यह ऐसे वैसे नहीं, बोले यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, यस्मिन कस्मिन ऐसा तैसा व्यक्ति नहीं है। पूजनीय पहले बता दिया कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, बोले कि यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा दुर्भाषा, यह महर्षि दुर्भाषा है,
ऐसा एक वचनांत है तो दुर्भाषा भी एक वचनांत है, एक वचन है कभी बहुवचन मत लगाना। दुर्भाषस शब्द है तो बनेगा दुर्भाषा, दुर्भाषसौ दुर्भाषस है, तो ऐसा है दुर्भाषा, यह तो महर्षि दुर्भाषा है। और दुर्भाषा का बहुत बढ़िया उपमा आगे दिया कि सुलभ कोपो महर्षि ही, यह बहुत सुलभ कोप मान जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए। प्रियंवदा कह रही है यह कोई ऐसा तैसा व्यक्ति नहीं है, यह एक ऐसा दुर्भाषा, यह दुर्भाषा ऋषि है। और आगे बताया कि सुलभ कोपो महर्षि, जो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, लोग आसानी से प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस ऋषि की विशेषता है कि इनको आसानी से सरलता से गुस्सा आ जाता है। यह उस दुर्भाषा ऋषि की विशेषता बताई। प्रश्न आएगा सुलभ कोपो महर्षि कह लिखेंगे दुर्भाषा, और तथा सप्तवा, और इसके बाद सप्तवा माने साप्त देकर वेग बलोत्फुल्लया बहुत तीव्र गति से दुर्वार्या अनिवार्य गति से गत्या प्रतिनिवित्त वापस लौटे जा रहे हैं। साप दिया कि तुम स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो अपि, ऐसा साप देकर वह तेजी से लौट गए। इसी बीच में ये बातों की डायलॉग डिबलेरी क्या कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, और वह जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो प्रियंवदा यह कहती है कि धिक्कार है, धिक्कार है, यह कोई आम इंसान नहीं, महर्षि दुर्भाषा है, और इनकी विशेषता है यह आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। इतना ही कही तो फिर अनसुईया कहती है कि कौन्यो हुतवहादिदग्धुम प्रभवती, अन्य कह इसके अलावा कौन हो सकता है, अर्थात हुतवहाद अग्नि के अतिरिक्त दग्धुम जला सकता है प्रभवत, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हाँ दुर्भाषा को अग्नि के समान बताया गया कि हमने सभी महर्षियों का ऋषियों का नाम सुना है, लेकिन एक ही सभी ऋषियों में ऐसे महर्षि हैं जिनका नाम दुर्भाषा है, वह सुलभ कोपो है। अनसुईया यही भाव व्यक्त करती है, कह अन्य है, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वही एक ऋषि है जो आसानी से सबको साप देते हैं। हुतवहाद अग्नि के अतिरिक्त दग्धुम जला सकता है, प्रभोत माने हो सकता है, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त है, अर्थात वो दुर्भाषा ही है जो ऐसा साप देकर चले गए। और गच्छ आदेश दे रही है अनसुईया प्रियंवदा को कि गच्छ जाओ, प्रणम में पादयो प्रणम में, जाओ और पैरों में प्रणाम करो। और निवर्त एनम और उन्हें मनाकर वापस लाओ। अनसुईया प्रियंवदा को कहती है हे सखी गच्छ, तुरंत जाओ, प्रणाम करो, पादयो दोनों पैरों में गिरकर प्रणाम करो और निवर्त लौटा लाओ। एनम तुरंत जाओ, इसी समय तुरंत जाओ और उस दुर्भाषा ऋषि को लौटा लाओ, और तब तक मैं यावद अहम अर्घोदकम, तब तक यावद माने तब, जब तक अहम माने मैं अर्घोद अर्घ और जल माने जब तक वह वापस आए तब तक मैं उनके लिए पानी जल नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ, उपकल्पयामि, तब तक मैं उनके लिए सेवा सत्कार के लिए कुछ चीज़ें अर्घ जल पानी आदि की व्यवस्था करता हूँ। तो ये दिया है यावद, या देखिए एक लाइन यह दे देगा कि यावद अहम अर्घोदकम, कि तब तक अहम, तो एक लाइन दे देगा, अहम से किसका बोध हो रहा है, अनसुईया का बोध हो रहा है कि यावद तब तक मैं उस ऋषि के लिए, जब तक वो आप लौटा के लाओगी तब तक उनके लिए हम जल आदि की व्यवस्था कर लें, अर्घ जल आदि की व्यवस्था कर लें। और फिर आगे बताया कि प्रियंवदा तथा, प्रियंवदा कहती है अच्छा, प्रियंवदा भी अपना जीवन
थोड़ा सा भी हाँ या ना नहीं कही कि बाबा अभी श्राप दे के गए हैं और क्रोधित होकर लौट रहे हैं, गुस्से में ही हैं, मैं जाऊं। अभी तो ये शकुंतला केवल बोली नहीं थी उसको उसके पति से कि तुम्हें पति तुम्हारा याद नहीं करेगा, ऐसा श्राप दे दिए। मैं जाऊंगी, उन्हें प्रणाम करूंगी, वापस आने का लौटा लाने के लिए उनसे निवेदन करूंगी, पता नहीं हमको कौन सा साप दे दे, पता नहीं कौन सा साप दे दे। प्रियंबरा ने तनिक भी देर नहीं लगाई, वह बोली ठीक है, मैं अपनी सखी के लिए, प्रिय सखी के लिए अवश्य उस दुर्वासा के पास जाकर निवेदन करूंगी। यह होता है सखी की मित्रता। भाई पता नहीं वो दुर्वासा उन्हें भी साप दे दे, एक अभी बोली नहीं कि साप देकर चले गए कि तुम्हारा पति तुम्हें याद नहीं करेगा। सबसे बड़ा जीवन का श्राप यही होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं ऐसा श्राप मिल जाए कि वह प्रेमी तुम्हें याद नहीं करेगा, इससे बड़ा दुख नहीं होगा, इससे बड़ा कोई साप नहीं होगा। वही यहाँ पर प्रियंबरा कहती है, मैं अपने प्रिय सखी के लिए जाऊँगी, हो सकता था कि दुर्वासा इन्हें भी श्राप दे देते, जाओ तुम्हारा ब्याह ही नहीं होगा। लेकिन इसका वह चिंतन न करते हुए कहे ठीक है मैं जाऊंगी। तो ये दिया है कि प्रियंबरा तथा इति निष्क्रांता, इसके बाद वह प्रस्थान कर जाती है। और इधर अनसुईया, अनसुईया का आगे पदांतरे स्खलितम निरूप्य, सब लोग हड़बड़ाहट में घड़बड़ाहट हो जाती है, अरे ये तो साप मिल गया। जब आश्रम में आती है देखती है कि तो दुर्वासा ऋषि साप देकर जा रहे हैं और इनका साप कभी भी खाली नहीं जाता। ऋषि हैं, उसे आपने श्लोक में पढ़ा होगा तपोधन, वह तपस्वी हैं, तप ही जिसका धन है, ऐसा तपस्वी है दुर्वासा। इसी घड़बड़ाहट के कारण अब क्या होगा, साप तो दे दिया, अब क्या होगा, शकुंतला का क्या होगा, आश्रम के लोग सुनेंगे, पिताजी सुनेंगे और गौतमी सुनेगी तो क्या कहेगी कि तुम लोग कहाँ थी। इसी सब के चक्कर में वह घबरा जाती है और उसी घबराहट के चक्कर में पदांतरे, जो पाद का अंतर माने गैप होता है, वह अस्खलित हिल जाता है। जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं वह इधर उधर पड़ रहे हैं निरुप, लड़खड़ाते हुए कदम के द्वारा, अहो आवेग अस्खलतया, आवेग के कारण वह अस्खलन था। अभी हमने बताया कि आवेग, आवेग के कारण ही हम गलती कर बैठते हैं, प्रेशर ले लेते हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया है, कैसा पेपर आएगा। तो ये दिया है आवेग अस्खलितयागत्या, आवेग के कारण ही मेरे पैर लड़खड़ा गए, अप्रभष्टम गिर गए, मम गृहस्थात मेरे हाथ से पकड़े हुए पुष्प भाजनम, मैंने जो हाथों में टोकरी पकड़ी थी घबराहट के कारण हड़बड़ाहट के कारण मेरे पैर लड़खड़ा गए। और पैर क्यों लड़खड़ाए तो बोले आवेग अस्खलिता गत्या, ये आवेग का अक्षर है। घबराहट में हम लोग गलती ना करते हुए भी गलती कर जाते हैं। आपने अगर पेपर दिया होगा या सौभाग्य मिला होगा पेपर देने के लिए और उसमें गोला रंगने के लिए आता है, हम तो प्रश्न का उत्तर देखे 8 का D सही है लेकिन हम रंग रहे होते 9 का D, ये आवेग है, ये आवेग है, परीक्षा का प्रेशर। तो घबराहट और हड़बड़ाहट के कारण हम गलती कर बैठते, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता। उसी तरह यहाँ पर अनसुईया भी वह आवेग से उसके पैर लड़खड़ाए और हाथ में जो पुष्प भाजनम जो टोकरी ली थी वह गिर गई, और जब वह टोकरी गिर गई तो इति पुष्प उच्चयम रूपयति, इसके बाद वह फूल चुनने का अभिनय, मंच पर ये घटनाएं हो रही हैं तो वह फूल चुनने का अभिनय करती है, और पुष्प का गिरना, हाथों से कोई छूट चीज़ें छूट कर गिरना अब शकुन होता है। आगे कथानक आएगा कि दुर्वासा लौट कर नहीं आते, यह संकेत दे दिया गया कि अब शकुन हो गया कि आप घर से कहीं यात्रा करने के लिए निकल, कोई छींक दे अपशकुन।
यहाँ भी प्रियंबदा गई है दुर्वासा को मनाने के लिए। दुर्वासा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, फूलों से हाथों की टोकरी गिरती है, एक संदेश मिल जाता है, एक चिन्ह मिल जाता है, अब सुकून हो जाता है कि दुर्वासा अब लौट कर नहीं आएंगे। आगे कथानक आ रहा है, वो बताएंगी कि दुर्वासा लौट कर नहीं आए। अब इसके बाद प्रवेश, फिर प्रवेश करती हैं प्रियंबदा, फिर मंच पर प्रियंबदा आती है और कहती है सखे प्रकृत वक्र। सखी अर्थात अनसुईया, हे अनसुईया, वो तो स्वभाव से ही टेढ़, बड़ा टेढ़ महर्षि है, गांव की भाषा में ही बोलेंगे बड़ा टेढ़ महर्षि, बड़ा टेढ़ा व्यक्ति है। तो बोले प्रकृति वक्र, वह स्वभाव से ही टेढ़े हैं, माता पिता यदि हमें डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी चीज़ के लिए गुस्से में आ रहे हैं, उनका स्वभाव टेढ़ापन नहीं है, वह क्षणिक है, कुछ समय के लिए हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन फिर वो स्वतः अपने स्वभाव में आ जाएंगे। लेकिन जो स्वभाव से ही टेढ़ा होगा वो सीधा नहीं, कुछ क्षण के लिए होगा फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ यही बताया गया कि जिनका स्वभाव ही टेढ़ापन है तो सकस्या अनुनयम प्रतिग्रहलात, तो वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करते, जिनका स्वभाव ही टेढ़ा है अर्थात वो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं किए। फूल का गिरना, तुरंत यहाँ शकुंत मंच पर प्रियंबदा प्रवेश करती है और यही कहती है कि सखी अनसुईया वो स्वभाव से टेढ़े हैं। बहुत ही मज़ेदार शब्द था कि वह जो स्वभाव से टेढ़े हैं, प्रकृति जिसका स्वभाव ही, जिसका मूल ही टेढ़ापन हो, आपके समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत होंगे जिनको बात बात में गुस्सा आ जाता है, उनका वो स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव आप देखेंगे वो हमेशा हंसमुख रहते हैं, भला कह दो बुरा कह दो फिर भी वो हंसते रहते हैं, कुछ भी चीज़ का बुरा नहीं मानते, ये स्वभाव है। तो वह दुर्वासा ऋषि प्रकृति वक्र हैं। प्रश्न बनेगा प्रकृति वक्र किसके लिए आया, दुर्वासा के लिए आया, किसने प्रयोग किया, तो प्रियंबदा ने प्रयोग किया। कथानक पूछता है ग्रंथों में उत्तर रामचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम, और आगे बताया कि मैं कैसे उनका अनुविनय या अनुनय विनय करने के बाद उनको लौटाती, क्योंकि वह किसी की प्रार्थना स्वीकार करे तब ना। तो और बताया कीमा पे पुनः है, लेकिन फिर भी मैं सानुक्रोशम कृतम, फिर भी उन्हें कुछ मैंने दयालु बना लिया। यही बात प्रियंबदा मंच पर प्रवेश करती है, कहती है हे अनसुईया वो तो स्वभाव से टेढ़े हैं, स्वभाव से ही जो है टेढ़ापन उनमें दिखाई पड़ता है। स्वभाव माने व्यक्ति को देख कर लक्षण पहचान लेना, ये स्वभाव है कि चेहरे पे झलक रहा है। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि चेहरे से ही पता चल जाएगा कि दुष्ट है कि सज्जन है। तो इसी तरह वह प्रियंबदा जब जाती है वहाँ पर कुछ अपना बातचीत करती है, आगे अभी आएगा कि क्या क्या हमने बातचीत किया। तो वह स्वभाव से ही टेढ़े हैं पहला ही है, और इसी बात को सुनकर प्रकृत वक्र शब्द को सुनकर नीचे अनसुईया कहती है कि अनसुईया कहती है सस्मितम मुस्कुराकर। जैसे ही प्रियंबदा ने कहा सखी प्रकृत वक्र, तुरंत अनसुईया मुस्कुरा दी। मंच पर सारी घटनाएं हो रही हैं मुस्कुराकर, अच्छा स्वभाव से टेढ़े हैं, जिनका प्रकृति ही टेढ़ा हो तो वही बताया। लेकिन प्रियंबदा कहती है हमने कीमा पी पुनः सानुक्रोशम, फिर भी हमने कुछ उन्हें दयालु बना लिया है। अनसुईया मुस्कुराकर तस्मिन बहु एतद अपि कथय, अनसुईया कहती है अच्छा उससे इतना भी बहुत है, वह थोड़ा दयालु हो गए यही हमारे लिए बहुत है। अनसुईया पक्का जानती थी कि वह ऋषि मानने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम दयालु उसे बना ली, ये प्रियंबदा की योग्यता थी। वो प्रियंबदा का अर्थ ही होता है प्रिय बोलने वाली, और अपने खुद नहीं गई, वो जानती थी हमारे में वो कला नहीं है किसी गुस्सैल व्यक्ति को मना ले, इसीलिए वह प्रियंबदा को भेजी कि गच्छ पादयो प्रणम्य, जाओ पैरों में गिरकर वापस ले आओ, मना कर लाओ।
और यहाँ पर बताया मुस्कुरा कर तस्मिन बहु ये तदब, इतना तो बहुत है, कुछ दयालु बना ली यही बहुत बड़ी बात है। कथे कैसे कैसे उन्हें दयालु बना ली अब बताओ। तो प्रियंबदा कहती है यदा निवर्तितुम नेच्छितुम तदा विज्ञापितो मया। वह प्रियंबदा कहती है जब मैंने उन्हें लौटने के लिए कहा तो मैंने प्रार्थना की, जब वह वापस नहीं लौटे, यदा माने जब, निवर्तितुम वापस ना इच्छति, जब वह वापस लौटने के लिए नहीं तैयार हुए, नहीं आने के लिए तैयार हुए, तदा तब मैंने विज्ञापितो मया, मेरे द्वारा यह जानकारी दी गई। यदा निवर्तितुम नेच्छति, जब मेरे द्वारा न इच्छति, जब वह लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तदा माने तब, विज्ञापितो बताया गया, मया माने मेरे द्वारा बताया गया कि भगवान प्रथम हे महर्षि, हे दुर्वासा, हे भगवान स्वरूप ऋषि दुर्वासा, प्रथमम इति प्रेक्षया प्रेक्ष अविज्ञात तप प्रभाव से, भगवान ये प्रथम अपराध है, यह उसका पहला अपराध है, वह आपके तप को, आपके प्रभाव को नहीं जान पाई। यही तो बता रही है कि मैं विज्ञापितो, मेरे द्वारा बताया गया भगवान प्रथम इति प्रेक्षया, पहली बार तो आपको देखी, प्रथमम इति प्रेक्षया, पहली बार आपसे उसकी मुलाकात हुई है, इसलिए वह आपको पहचान नहीं पाई। जब आपको पहचान नहीं पाई और तो इसीलिए अविज्ञात तप है प्रभाव, वह आपके तप के प्रभाव को भी नहीं जान पाई। आप एक दो बार आश्रम में आए होते तो शकुंतला शायद पहचान लेती, आपको नहीं पहचान पाई क्योंकि आपको पहली बार देखी, इसीलिए नहीं पहचान पाई और आपके तप के प्रभाव को भी नहीं जानती थी। और द्रोहितस्य जनस्य, वह आपकी बेटी के समान है और आप उसके पिता हैं। क्या कालिदास ने शब्द का इस्तेमाल किया कि द्रोहितस्य जनस्य, वह आपकी बेटी के समान है और आप उसके पिता हैं। तो एक पिता लाख बुरा हो, अपनी बेटी का कभी अहित नहीं करेगा। इसी सब वचनों को सुनकर तभी तो वह दयालु बना ली। दुर्वासा भी सोचो कि हाँ हाँ बात तो सही है, वह हमारी बेटी के ही समान थी। तो वही बोला गया कि द्रोहितस्य जनस्य भगवान एको अपराधो, भगवान वह उसका पहला अपराध है। ऋषि महर्षि दुर्वासा, हे ऋषि, यह उसका पहला अपराध है और वह आपकी बेटी के समान है, इसीलिए उसे क्षमा कर दो। दिया है मर्सितव्य, उसे क्षमा कर दीजिए। इतना ही वाक्य कहती है तो अनसुईया ततस्तः, फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ, जब तुमने ऐसा बोला कि भगवान वह आपकी बेटी है, उसका यह पहला अपराध है, पहले आपको कभी नहीं देखी थी, इसलिए आपके तप का, आपके यशस्वी होने का प्रभाव उसे नहीं मालूम था और उसका यह पहला अपराध है और वह आपकी बेटी के समान है, इसीलिए उसे क्षमा कर दीजिए। यह प्रियंबदा की वाणी है। तब अनसुईया कहती है ततस्तः, तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो प्रियंबदा फिर कहती है ततो न मे, उसके बाद ततो न मे वचनम अन्यथा भावतुम भवितुम अरहते। मैं माने मेरे, मैं से किसका बोध हो रहा है, दुर्वासा का, ऐसे ऐसे ही वाक्य देगा कि ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अरहते। प्रियंबदा कह रही है मेरा वचन, मैं माने मम मेरा वचन अन्यथा न अहर्तुम, मैंने जो कह दिया वह बात सत्य होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं। अन्यथा माने उसका कोई दूसरा रूप बन ही नहीं सकता। तो ये बताया कि ततो न मे वचन मैंने, तो मेरा वचन अन्यथा नहीं जाता, जो कह देता हूँ वह होके रहता है, तो अन्यथा भवितुम अहर,
तो अन्यथा भय तुम न अरहत। मेरा वचन दूसरे प्रकार बदलेगा नहीं। अब मैंने जो कह दिया अब वह बदलने वाला नहीं है, उसका पति उसे नहीं पहचान पाएगा। यह बात दुर्वासा कह रहे हैं, लेकिन बता कौन रही है? प्रियंवदा बता रही है। दुर्वासा की बात प्रियंवदा अपने मुख से बता रही है। ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अरहत। मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा, मेरा वचन अब बदलेगा नहीं। तो मे से किसका बोध हो रहा है? दुर्वासा का बोध हो रहा है। किम तो अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो। लेकिन उसे कोई अभिज्ञान पहचान की चीज दिखाओगी तो यह जो शाप है निवर्तिष्यत। कोई उसे पहचान की चिन्ह अगर आभूषण हो या कोई चीज हो उसे दिखाओगी या उसे दिखाओगी, शकुंतला जब उसे दिखाएगी कि कोई पहचान दर्शनेन माने जो उसका दिया हुआ, यदि शकुंतला के पास कुछ भी होगा, यदि वह राजा दुष्यंत को दिखाएगी तो वह राजा उसे पहचान लेगा। तो बोला सापो नि, और आगे दिया गया है कि निवर्तिष्यत, वह साप वहीं समाप्त हो जाएगा। दिया ना तो अभिज्ञान भरण दर्शनी, उसकी पहचान का यदि कोई चिन्ह होगा, राजा दुष्यंत के पहचान का या राजा दुष्यंत के नाम का कोई अगर उसका चिन्ह होगा उसके पास, वो तो दुष्यंत को जैसे ही दिखाएगी तुरंत साप वहीं समाप्त हो जाएगा। और इति मंत्रमाण एवांतरहित। इतनी सब मंत्रणा करने के बाद वह एकाएक अंतर ध्यान हो गए या जंगलों में चले गए। यह प्रियंवदा दुर्वासा के वचन बोल रही है। किम तत्व अभिज्ञान भरण दर्शनेन, कि उसे कोई पहचान की चिन्ह यदि दुष्यंत को दिखाया जाए, जो जिसको दुष्यंत पहचानता हो, जिन्होंने अगर कोई पहचान दिया होगा शकुंतला, उसी के द्वारा उसका साप समाप्त हो जाएगा। इतनी ही मंत्रणा करके वह ऋषि अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे अनुसुईया कहती है कि साक्यम इदानिम आश्वसितुम। चलो मेरे हृदय को कुछ सांत्वना पहुँची, मेरे हृदय को कुछ सांत्वना पहुँची, मैं कुछ आश्वस्त हुई कि अस्ति तेन राजर्षिणाम है। तेन माने उस राजर्षिणाम संप्रतिष्ठेन, जब वह राजा वह दुष्यंत अपने राज्य को वापस जा रहा था तो स्वनाम धेया अपने नाम से अपना नाम लिखे हुए अंकितम अंगुलीयकम, अर्थात अंगूठी में उसका नाम लिखा था, ऐसी अंगूठी को अस्मरणीमितम स्वयं पिनिद्धम। उस राजा दुष्यंत ने शकुंतला को स्वयं पहनाया, अपना नाम लिखी हुई अंगूठी पे, मैंने ऐसी अंगूठी जिस पे उस राजा दुष्यंत का नाम लिखा था, उस दुष्यंत ने स्वयं शकुंतला को पहनाया था। और तस्मिन स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, इसका उपाय तो खुद शकुंतला ही है। इस साप की समाप्ति का उपाय स्वाधीन उपाय उस शकुंतला के पास खुद ही है। स्वाधीन माने इस साप का जो उपाय है, जो पहचान है, वो शकुंतला खुद है। शकुंतला अंगूठी पहनी है, वह अंगूठी दिखाएगी, राजा दुष्यंत उसे पहचान लेगा। अब आगे बताया गया कि प्रियंवदा सखी, अब प्रियंवदा कहती है हे सखी ए आओ, हे अनसुईया आओ, देव कार्यम तावर निवर्तया वह, तब तक हम पूजा कार्य आदि को समाप्त कर लें, निवृत्त कर लें पूजा आदि कार्य को। ये तो बीच में बाबा जी आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए कि यह कथानक कितना लंबा चल गया, हम तो फूल चुनने गए ही थे पूजा पाठ करने के लिए, बीच में ये ऋषि आकर दुर्वासा आकर हमको डिस्टर्ब कर दिए या हमको थोड़ा सा इधर उधर भटका दिए, समय ज़्यादा हो गया। इसीलिए प्रियंवदा कहती है कि सखी ए अनसुईया आओ, तब तक हम देव कार्य या देव पूजन आदि को पूरा कर लें। इति परिक्रामत है, दोनों मंच पर घूमने लगती हैं। और उसके बाद प्रियंवदा विलोक, प्रियंवदा देख कर कहती है अनसुईये पश्यतावत। प्रियंवदा देखती है किसको? शकुंतला को।
और कहती है अंसुए पश्चतावत, इधर आओ और देखो वाम हस्तो पहित वदना लिखिते। यह शकुंतला बाएं गाल पर हाथ रखी हुई और ऐसी बैठी हुई है कि जैसे चित्र, ऐसी बैठी उसमें थोड़ा सा भी उसके अंगों में संचालन नहीं हो रहा है, जैसे चित्र सी बैठी हुई है। और प्रिय सखी, प्रिय सखी कौन है? शकुंतला। तो प्रिय सखी से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है। दे देगा कि बामो हस्तो पहित वदना लिखते व प्रिय सखी, तो प्रिय सखी से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध है। देखो शकुंतला को, सखी पश्य, देखो शकुंतला को, एकदम चित्र सी बैठी हुई है, थोड़ा सा भी इसके शरीर में संचालन नहीं है। भर्त गतया चिंतयात्मानपि, पति भर्त माने भर्तु, तो भर्त गतया पति के जाने की चिंता के कारण नैसाम विभावयति, ऐसी इसकी दीन दशा हो गई है। इसका पति हस्तिनापुर चला गया, दुष्यंत चला गया, उसी के चिंतन में यह चित्र सहसा बन गई है। यहाँ पर वही बताया कि यह आकृति जो बनी है, प्रियंवदा कह रही है कि जो बाएं हाथ पे गाल धर के बैठी हुई है, एकाग्रचित होकर चिंतन कर रही है, यह इसके पति अर्थात दुष्यंत के जाने के बाद उसी की चिंता में आत्मन अपने हृदय में उसी की चिंता को सोच रही है। नैसाम विभावत, इसीलिए इसकी यह दशा हुई है। किम पुनरांगतुम पिन पुनरह आगंतुकम, जब इसे खुद का ही ध्यान नहीं है हम किस अवस्था में बैठे हैं, तो कोई आगंतुक आ जाए तो उसकी क्या ध्यान रखेगी। यही तो बात हुआ था कि महर्षि ऋषि आया, साप देकर चला गया, शकुंतला को मालूम नहीं है कि हमें कोई साप देकर गया है। तो ही बोला यहाँ पर कि किम पुनरागंतुकम, अर्थात अब जब इसका खुद का शुद्ध नहीं है, कारण यह है कि जब जिसका हृदय चोरी हो जाता है या किसी का दिल कोई चुरा ले जाता है तो दिमाग भी वहीं रह जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ पढ़ो हृदय में उतार लो। हमारी क्लास कैसी लगती है ये मायने नहीं रखता, कितना आप सीखते हो ये मायने रखता है। हाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है वो अलग की बात है, उतने हमारे पास संसाधन नहीं है, धन होता तो कर ले जाते, लेकिन फिर भी पढ़ाने का प्रयास जारी है। तो आगे अनसुईया कहती है, प्रियंबदे द्वयोर एव नयो मुख ऐसा वृत्तांतस्तिष्ठन, अनसुईया कहती है द्वयोर एव, हम दोनों के अलावा, नौ अस्मद का षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत रूप है कि हम दोनों के अलावा मुख ऐसा वृत्तांतस्तिष्ठन, ये बात ये तो तुम्हारे मुख में रहे या तो हमारे मुख में रहे, अन्यथा किसी के मुख में ना जाए। तो वही बोले कि द्वयोर एव नौ मुख ऐसे, यह जो बात है शकुंतला भी न जान पाए, केवल प्रियंवदा और अनसुईया के मुख में ही रहे। और अचितव्या खलु प्रकित पेलवा प्रिय सखी, यदि तुम रक्षा ही करना चाहती, अनसुईया प्रियंवदा से कह रही है, यदि तुम अपने इस प्रिय सखी की रक्षा ही करनी चाहती हो, और प्रिय सखी है कैसा, प्रकृति पेलवा, स्वभाव से ही कोमल है, ऐसे जिसका स्वभाव ही कोमल है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला की यदि रक्षा करना चाहती हो तो यह बात श्राप वाली हमारे और तुम्हारे मुख में ही स्थित रहे, बाहर ना आए। क्लियर हो गया, अब आ जाओ आगे। प्रियंबदा, फिर प्रियंबदा कहती है, को नामोषणो देकिन नव मालिका सिंचित, कि कौन गर्म जल से इसे सींचेगा। नव मालिका, इस नव मालिका को कौन गर्म जल से सींचेगा, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उष्णो दकेन, उदक माने होता है पानी, उष्ण माने होता है गर्म, कि गर्म जल से कौन नव मालिका को सींचेगा। तो गर्म जल है यहाँ
दुर्वासा का साप और नवमालिका है शकुंतला। जैसे नवमालिका एक लता है जो बहुत कोमल होती है, गर्म पानी डाल दोगे वह सूख जाएगी। तो यहाँ प्रियंबरा का कहने का अर्थ यही था कि को नामोषणो दकेन नवमालिकां सिंचति, कि इस नवमालिका को कौन गर्म जल से सींचेगा, अर्थात इस शकुंतला को कौन शुभ समाचार बताएगा। जिस दिन इसे बता दोगी, जिस दिन इसे बता दिया गया, ये खुद मर जाएगी। अभी जब इसकी यह अवस्था है कि पति गया है, उसके याद में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जब इतना इसे ख्याल नहीं है, जब सांप को सुनेगी तब क्या इसका हाल होगा। अभी तो उसे आस लगी है कि दुष्यंत आएगा, जब सांप सुन लेगी ना, कि जब वो हमें पहचानेगा ही नहीं तो आएगा क्या, इसीलिए वह कहती है कि को नामोषणो दकेन नवमालिकां सिंचति, कि नवमालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा, तो नवमालिका शकुंतला है। प्रश्न आएगा, लाइन दे देगा, नवमालिका से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का बोध हो रहा है। उष्णो दकेन कौन है, उष्णो दकेन दुर्वासा ऋषि का शाप है। क्लियर हो गया, ये देखिए बहुत डीपली है, बहुत गहराई से है। और आगे बताया कि इत उभे निष्कांते, फिर दोनों मंच से प्रस्थान करती हैं और यहीं पर विष्कम्भक समाप्त हो जाता है। विष्कम्भक का अर्थ ही होता है भूत भावी घटनाओं की सूचना देना। भूत यह था कि राजा वापस चला गया है, भावी यह है, वर्तमान यह है कि शकुंतला को श्राप मिल गया, और भविष्य यह है कि शकुंतला दुष्यंत आगे चलकर शकुंतला को नहीं पहचानेगा। तो भूत भावी और वर्तमान की घटना देने वाले कथानक को विष्कम्भक कहते हैं। कथानक का यहाँ पर मिल गया कि आगे क्या होगा, पहले क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या होगा, इसी को विष्कम्भक कहते हैं। एक तीसरे अंक में विष्कम्भक आया था, दूसरा विष्कम्भक आया चतुर्थ अंक में, और इसके बाद अगला कथानक या इसके बाद विष्कम्भक के बाद अगला जितने भी कथानक होंगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।